नमस्कार साथियों, मित्रों, मैं डॉक्टर अमित तिवारी आप सबका बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये एक चर्चा का विषय बन जाता है आज कि हम महात्मा बुद्ध को या भगवान बुद्ध को आज भी प्रासंगिक क्यों मानते हैं। और ये प्रासंगिकता इसलिए नहीं कि ये कोई रटा रटाया एक स्टेटमेंट है जिसको हम ओकेजनली गा लेते हैं या कह देते हैं, ऐसा नहीं है। आज के संदर्भों को अगर हम समझें तो हम पाते हैं कि बुद्ध का इस समाज में आज के परिप्रेक्ष्यों में बहुत अधिक आवश्यकता इस संसर्ग में होती है कि बुद्ध की जो फिलॉसफी है, जो बुद्ध का दर्शन है, वो बहुत आवश्यक है। हम समाज के तौर पर दरअसल जा कहाँ रहे हैं, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता होगी। मैं यकीनन बुद्ध की अष्टांगिक पद्धति और उन ज्ञान की या उस प्रतिकृति की बात नहीं करने वाला हूँ जिसमें उनका एक 360 डिग्री जो विजडम है या एक ऐसा उनका डिस्प्ले है जो व्यक्ति को एक दशा दिशा दिखाता है, लेकिन बुद्ध की प्रासंगिकता आज एक समाज के तौर पर हमारे अंदर आने वाली विकृतियों को लेकर है। हम क्रिटिसिज्म की पराकाष्ठा को लांग जाते हैं, हम दया की सीमा या संवेदनशीलता की सीमाओं को आज भूल चुके हैं। समाज में कई ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जहां पर सोशल बुलिंग करना, सोशल मीडिया को यूज करते हुए लोगों के चरित्र का हनन करना, लोगों के मानसिक शांति को हर लेना, या अपराध बोध के विषय में हम दूसरों के लिए जो चाहते हैं, क्या हम अपने लिए भी वही चाहते हैं? या हम अपने लिए जो चाहते हैं वो दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो बुद्ध के द्वारा समाज को आज एक बहुत महत्ता चिंतन या दिग्दर्शन मिल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे समझें। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस बात को करूंगा। हमारी सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनमें समाज का दायित्व है हमारे युवाओं को लेकर प्रोत्साहित करने का। अभी बीते कुछ दिन पहले यूपी बोर्ड में एक एक बच्ची, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यूपी बोर्ड में टॉप किया 12वीं के एग्जाम में। और टॉप करने के बाद आप मानेंगे कि किसी भी बच्चे को इंडिया का नेशनल मीडिया प्रेज कर रहा है तो वो बच्चा अपने बारे में अच्छा सोचेगा। तब जबकि हम ये भी तथ्य जानते हैं कि अपेक्षाओं अपेक्षाओं के दबाव के तहत कितने बच्चे अपना दम तोड़ते हैं, ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज उस समाज की कल्पना हम कर रहे हैं जो उस बच्ची के अंदर ये नहीं देख रहा कि उस बच्ची ने इतने बड़े बोर्ड के अंदर इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन वो समाज ये देख रहा है कि उस बच्ची की लुक्स कैसी है और वो बच्ची हार कर कहती है कि अच्छा होता कि मैं टॉप नहीं करती। उसी तरह सोशल परस्पेक्ट में या समाज के परस्पेक्ट में अगर हम बात करें, हमारे अंदर दया का भाव नहीं आता। हम एक ऐसा सेगमेंट नहीं फील करते कि हम दूसरों के बारे में अपने द्वारा बिना सोची समझी टिप्पणी अगर हम कर रहे हैं तो उसका दूसरे के अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो प्रत्याशित तौर पर आवश्यक हो अथवा अनावश्यक हो। कई ऐसे प्रकरण हैं जहां पर हमें भीड़ के द्वारा किसी को मारा पीटा जा रहा है। क्या हम करने जा रहे हैं, किस दशा दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? हम कॉलेजेस का हो या विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की मर्यादाओं का बहुत निष्ठुरता के साथ हनन देखते हैं। मैं बिल्कुल किसी शिक्षक वर्ग विशेष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या उनकी पॉजिटिविटी को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन एक दिशा ये भी है कि समाज को ज्ञान देने वाले वर्ग को आजकल जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है क्योंकि तो हम फेयर क्रिटिसिज्म की सीमा को लांघ चुके हैं। हम वहां पर बुद्ध की प्रासंगिकता देखते हैं या उनके दर्शन की प्रासंगिकता देखते हैं जहां किसी गर्ल्स कॉलेज की बाउंड्री के बाहर कुछ छिछोरे लड़के या ये कहा जाए सामान्य लड़के खड़े हुए होते हैं और उन लड़कों के द्वारा उन युवतियों को जीवन भर का तनाव दंश दे दिया जाता है उनकी टिप्पणियों के द्वारा, उनके कृत्यों के द्वारा।
तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि मेरी भी कोई बहन है, या मेरी भी कोई माँ है, या मेरी भी कोई साथी महिला हो सकती है जो समाज में कहीं ना कहीं आ जा रही होगी, उसको भी शायद ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ सकता है। हम एम्पथाइज होना भूल गए हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छा, बहुत आसान है। जैसे मीडिया को हम क्रिटिसाइज कर देते हैं, या मीडिया हमें क्रिटिसाइज करता है। इलेक्शन प्रोसेस में हमारे मतदान को कराने के लिए कितने लोगों ने कितना श्रम किया, उनके कार्यों को हम बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं कि आप करते क्या हैं। कितने बड़े इकोसिस्टम के अंदर पूरे भारत में 91 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, वो बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन अपने दायित्व का यानी मतदान का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि कर्म करना उसके प्रवृत्ति के अंदर नहीं है। बुद्ध की वो बात है जिसमें हमको अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। हम हमारे द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा या किसी से वाणी से कुछ कहा जाएगा, वहां तक छोड़िए, हम मन के द्वारा किस तरह से सोशल मीडिया को या हम डीप फेक को इस्तेमाल कर रहे हैं किंचित अपने दुराग्रहों को लेकर। इन सब को लेकर क्या आज हम बुद्ध की जो वाणी है उसको उसका पालन कर रहे हैं? हम नियमों, कानूनों, आलोचनाओं की सीमा को परे की पर को परे जाकर व्यक्तिगत चीजों के अंदर तक हम आ गए हैं, ये हमारी निंदा की पराकाष्ठा है। कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता अगर वहां पर, इसे कहना चाहिए, नोबल क्रिटिक ना हो, लेकिन नोबल होना एक सीमा के तहत होना है। क्रिटिसिज्म फेयर होना चाहिए, लेकिन हर बात पर किसी को के पीछे पड़ जाना, उसकी ट्रोलिंग करना, उसे अपशब्द कहना, एक और नई बात जिसे इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अपशब्दों का चयन जिनके द्वारा आपके पीढ़ी से इतर, अगर कोई पीढ़ी अगर उस कंटेंट को देखती है तो क्या सोचेगी और क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है क्षणिक हमें ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सोचिए, ये जो काम हमारे द्वारा आज किया जा रहा है बीज रूप में, हो सकता है इसका फल हमको ही नकारात्मक स्वरूप में देखने को मिले। यकीन से कह सकता हूं कि बुद्ध होने की हमारी प्रवृत्ति तो नहीं है, लेकिन बुद्ध के किसी आंशिक गुणों से भी अगर हम सीखें तो आज के समाज की दशा दिशा बदली जा सकती है। बुद्ध प्रासंगिक इसलिए हैं क्योंकि हिंसा का सिर्फ वह स्वरूप नहीं जिसमें मारकाट मचानी है, हिंसा का वह स्वरूप जिसमें मन तक से, वाणी से और कर्म से हमको कोई प्रतिघात नहीं करना, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा बुद्ध का मतलब स्वयं को हम कितना जान रहे हैं, स्वयं को हम कितना समझ रहे हैं, या स्वयं के प्रति हमारी कितनी जो है श्रद्धा है अपने आप को जानने की। निंदा को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली का मतलब अगर हम खाली नहीं है तो काम वो करेंगे जिसके माध्यम से दूसरों को, दूसरों में दया क्षमा का जो है भाव चला जाए। तो जब आप इस तरह की चीजों को देखते हैं तो दुविधा में आ जाते हैं, और ये दुविधा समाज के क्षतिग्रस्त होने की है। और ऐसे समय महात्मा बुद्ध बहुत याद आते हैं कि क्यों नहीं हम बुद्ध से ये सीखते कि हम कम से कम एक सीमा निर्धारित करें जिसमें हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या आर्थिक हितों पर, अहितों पर लोगों के बीच में एक सीमा रखेंगे। किसी भी विचार को एक, चाहे वो निंदा हो या फिर अप्रिसिएशन हो, एक सीमा तक रखना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जिते। तो इन सब बातों के बीच में बुद्ध का हमारे समाज में जो प्रासंगिकता थी वो हमेशा से रही और आगे आने वाले समय में और रहेगी, क्योंकि बुद्ध होना जीवन की संभावनाओं को तलाशना है, अपने अंतर्मन को समझना है, दूसरों की समस्या को जड़वत समझना है। जीवन में कल्प और विकल्प के साथ हम नहीं लड़ सकते जब तक हमने अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को नहीं अपनाया। बुद्ध के दर्शन से अगर हम सूक्ष्म बिंदु तो छोड़िए, अगर कुछ सामान्य बिंदु जिनसे हम कुछ पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से बच पाए, तो शायद इस समाज का ज्यादा कल्याण कर पाएंगे।
चाहे कोई आर्थिक चर्चा हो, कोई सामाजिक चर्चा हो, कोई वैज्ञानिक चर्चा हो, किसी से विद्वेष ही क्यों ना हो, अनुराग की भी एक सीमा हो सकती है, द्वेष की भी ये सीमा हो सकती है। हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं, निजी टिप्पणी में भी या सामाजिक टिप्पणी में भी शब्दों की मर्यादा की भी कोई सीमा हो सकती है। पुनः एक और प्रकरण जो याद आता है, राजनेताओं को आपस में जब वो विमर्श करते हैं वोटिंग वोट मांगने के लिए, तो हम क्या ऐसा कहें जो शब्दों की सीमा के तहत। आचरण और व्यवहार दो अलग-अलग बातें जरूर हैं, लेकिन अगर एक साथ चले तो ठीक होता है। दया और क्रोध दो अलग-अलग भाव हैं, लेकिन अगर एक साथ चले तो समाज का कल्याण करते हैं। उसी तरह हिंसा और प्रतिहिंसा दो अलग-अलग बातें हैं, लेकिन अगर संसर्ग में हिंसा का प्रतिकार प्रतिहिंसा से न होकर शांति से हो, अथवा उस हिंसा के लिए प्रतिहिंसा जब जरूरी हो अवश्य होनी चाहिए। हालांकि इस बात में बुद्ध की थ्योरी से थोड़ा अलग कह रहा हूँ, लेकिन वो भी प्रासंगिक है। तो आज इस पावन दिन पर आप सबको पुनः शुभकामनाएं। बुद्ध हमारे समाज के लिए प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे, सब्जेक्ट टू हम बुद्ध को बांटे नहीं, उनको विचारधारा में ना समझें, उनको एक यूनिक फ्रेमवर्क में माने, एक ऐसे आइडल के तौर पर जाने जो सभी का है, किसी समाज पर या किसी मनुष्य भर का बुद्ध नहीं है। बुद्ध एक प्रबोधन है, बुद्ध एक एनलाइटनमेंट है, बुद्ध एक जागृति है, बुद्ध एक चेतना है और बुद्ध एक संसर्ग है। अगर हम इन संसर्गों में बुद्ध को ढंग से समझ पाए तो निश्चित तौर पर जीवन में हम सब बेहतर कर पाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ व्यवहारिक चीजों में अपने आप को बुद्ध के प्रबोधन से अनुग्रहित करेंगे, समाज को एक अच्छा समाज बनाएंगे। हम निंदा से, अनफेयर क्रिटिसिज्म से, बुलिंग से, ट्रोलिंग से या ऐसी बातों से जिनमें शब्द की मर्यादा का भेदन हो रहा हो उनसे बचेंगे। आपने मुझे सुना, आपको बहुत आभार देते हुए इस सेशन को पुनः बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं और अत दीपो भव यानी अप दीपो भव यानी स्वयं प्रज्वलित हो ताकि दूसरों को उजाला दो, इस संदेश के साथ नमस्कार, धन्यवाद।